आप सबको नमस्कार, सबको प्रणाम और दीपेंद्र भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी। इतनी छोटी उम्र में इतना मार्गदर्शन जो ये दे रहे हैं हमें इस क्षेत्र में, हर तीन कोण के ऊपर की क्या करना है, कैसे करना है, हर तरीके से समझाना हो गया। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग ताऊ चाचा बहने माताएं तो कम दिख रही है, माताओं की माताओं को घर पे जो बैठी है सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। वेरी गुड है। ताई अरे तारी संख्या बढ़नी चाहिए, तारी थोड़ी बीच में आ गई है, आप तो इतना सब प्यार कांग्रेस पार्टी को दे रहे हो, अपने इन बच्चों को दे रहे हो, मैं तहे दिल से आपकी आभारी हूँ। कांग्रेस पार्टी आपकी आभारी है। ज्यादा बातें नहीं बोलूंगी मैं, लेकिन आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ, हर चीज भूल जहां आपकी बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई चल रही है। 10 साल तक जो आपके साथ में जो अन्याय हुआ है, आपके सम्मान के साथ जो खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे चंडीगढ़ के बॉर्डर पे हो, चाहे दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हो, हमारे अपनों को जो पीटने का, जो घसीटने का जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारे बहन भाइयों को जो बेरोजगार करके विदेशों में जाके रहने को मजबूर किया है, वो खुश नहीं है वहां पे बिल्कुल भी। मैं खुद विदेशों में गई कुश्ती करने, इतने भाई मिले हैं, हमेशा रोए हैं कि बहन मजबूरी है, हम भी चाहते हैं घर पे एक है, हम माँ बाप के पास रहना चाहते, लेकिन मजबूरियां इतनी है, हरियाणा में रोजगार नहीं है। बहुतों को होता है ये बात सुन के, क्योंकि जो हमारा हरियाणा नंबर वन था, उस हरियाणा को गर्त में लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको जिम्मेदारी मांगनी पड़ेगी। कोई भी जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य आपके बीच में वोट मांगने आता है, धर्म और जाति भेदभाव के नाम पे उनको पीछे था, उनको बोलो आपने हमारे लिए 10 साल तक किया तो किया क्या, कितना रोजगार दिया है, कितनी सड़कें बनवाई हैं, पानी की समस्या तो दीपेंद्र भाई साहब मैं आपको बता दूं, पूरे चुराना विधानसभा में भी पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, हर तीन आदमी में से एक को कैंसर हो रहा है चुराना विधानसभा में। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भूल नहीं जाना है, हमारे एक एक आंसू का, एक एक अपमान का बदला लेना है। आपकी बेटी ने सड़का पे बैठ के देख लिया, इंसाफ नहीं होया हमारे गलकत्ती भी नू पूछ ले, तू कांग्रेस ने तो टू ज्वाइन करी, राजनीति भार की केंद्र को थी, हमारी मजबूरी लेके आई हमने कांग्रेस पार्टी, इन्होंने अंधेरे में उसकी एक ही तरह काम करा था, जवाब तारीफ थोड़े दिन होया करती ना रहता न। दीपेंद्र भाई साहब एक दिन की बात बताओ ना आप सबके सामने, 28 तारीख ने जब हम दस आए थे, सबसे पहले वहां पे विरोध दर्ज करने वाले दीपेंद्र भाई साहब थे, एक रात को हमारे साथ पुलिस वालों ने बदतमीजी कर दी थी वहां पे, ड्रिंक करे हुए थे वो, दीपेंद्र भाई साहब पूरी सिक्योरिटी को छोड़े किसी को नहीं बता के घर से पैदल भाग गए थे बिना गाड़ी के, तो जो नहीं तो पूछते हैं ना कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की, कांग्रेस पार्टी ने माँ बाप का फर्ज निभाया था, जब तुम्हारी बेटियां जब तारी छोरी रोया करती जब हमारे पास खड़े थे, तकलीफ होया करती हमने, लेकिन एक पुकार के ऊपर हमारी कांग्रेस पार्टी तारी पार्टी या आप सबकी पार्टी है, हमारी पार्टी नहीं है, आप सबकी पार्टी है। एक एक कार्यकर्ता जो बूथ पे जाके लड़ाई लड़ा है, आपके खून पसीने ने बाढ़ की जो लड़ाई लड़ा है, आप सबकी यह पार्टी है, आप सबकी यह टिकट है, आपको हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जितवाना है, क्योंकि हमारे बहन भाइयों के भविष्य की लड़ाई है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इंसान की आदत बहुत छोटी है, अपमान का बदला वोट से लेना है। जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे तो हमारे बड़े ता हुआ करते चोरी बदला जरूर लेवांगे, तो ताऊ ताई बदला लेने का दिन आ गया 5 तारीख, बहुत उम्मीद रास्ते तारीख हो रही है, बात क्या लाग रही है, ये जो ताऊ और पगड़ी पड़ा हुआ है ना, इस पगड़ी खातर हमारा जान भी दे दे, हमारा खून खराब हो जाएगा इस पगड़ी के मान सम्मान खातर, यह उस सम्मान की लड़ाई है, हमारे बेरोजगार बहन भाइयों की लड़ाई है,
जिस खेल के क्षेत्र में आज भी ओलंपिक में 6 मेडल आए हैं, 4 मेडल हमारे हरियाणा के हैं, लेकिन जो खेल का जो बजट जावा है वो गुजरात जावा है। हमने पूछना पड़ेगा हमारे हरियाणा ने क्यों नहीं वो बजट मिलता जब हमारा हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल ओलंपिक में हमेशा देता है। लाग रहे जो खिलाड़ी पहले खुशी खुशी जाया करते खेलने पर रोते आवा है, क्योंकि ना तो उन्हें अच्छे कोच मिलते ना वो सुविधा है। जो हमारी नीति थी पहले तो भूपेंद्र सिंह भुट्टा जी ने जो नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, ओलंपिक का मेडलिस्ट एक भाई नीरज चोपड़ा सब लोग जानते होंगे। हरियाणा सरकार ने एक पर भी जरूरत नहीं करी कि उनको कोच की नौकरी ऑफर करी जाए। छोटी बात नहीं होती ओलंपिक गोल्ड जीतना, मेरे से पूछो आप 24 साल लगे उस मेडल को लाने में, आज भी वो मेडल खाली हाथ में है। आप सबसे मैं उम्मीद करूं जो अगर जो तकलीफ इस भारतीय जनता पार्टी ने तारा तह दी है, तारी चोरी तह दी है, अपनी कांग्रेस पार्टी हर उस आंसू का बदला लेने का मदा रखा है, हिम्मत रखा है, लेकिन आपके साथ की आपके विश्वास की आपकी ताकत की जरूरत आज हमने है। आप में जो ताकत है वह ताकत हमने दे दो। मैं यकीन से कह सकूं आपने न्यू ना मानियो तो जुलाना विधानसभा क्षेत्र में चलेगी तो सिर्फ जुलाना तक सीमित रहेगी। पूरे हरियाणा की बेटी हूं मैं, पूरे देश की बेटी हूं, कोई भी छोटे क्षेत्र में सीमित नहीं कर सकता हूं। दस साल तक जब कोई पार्टी सरकार में नहीं रहती है वो हिम्मत हार जाते हैं। आप सबके सामने दीपेंद्र भाई साहब खड़े हैं, एक भी दिन सिंगल ऐसा नहीं गया होगा जो आपके बीच से उठते तो छुप गए हूं। ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, आपकी बेटियों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, आपका संघर्ष बेकार नहीं जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ जो आप ये मान सम्मान दे रहे हो। 5 तारीख को श्री मान सम्मान का रिजल्ट आएगा, आपके निशान पे आपको बटन दबाना है। अपने बड़े भाई बलराम सिंह दांगी जी को, दीपेंद्र भाई साहब को भी मजबूत करना है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी मजबूत करने की लड़ाई है। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जो मान सम्मान दे रहे हो एक और ताई हो रहे, मैं खिलाड़ी हूं, मैं इतना कहना चाहूंगा मेरे बहन भाई जो है जब वो किता हार के आवा है एक नंबर पर किता कोई टेस्ट में रह जावा है ना, एक बात जरूर बोल दिया उन्हें कि कोई बात नहीं बेटा अगली बार देख लेंगे। ये 2 शब्द है ना वो तारीख जिंदगी बना दे, हिम्मत बढ़ा दे हैं। मैं ओलंपिक में आई हूँ भाई साहब, उससे दिन फोन करके न परेशान हो रहे थे, रोन भी लाग रहे थे, मेरी तो बात नहीं हो पाई, सोमवार तक बात करे थे तो जो वो तकलीफ जो अपने जो लोग अपने मुसीबत के टाइम पर जो पूरे टाइम पर साथ खड़े हुए ना, यह तारे बड़का की ताकत है, यह ताकत आप सब ने बढ़ना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 5 तारीख के बाद में खुशी बनाओगे, उससे पहले खुशी नहीं बनानी है। तारी चोरी गले धोखा हो लिया है, हमने पहले गोल्ड मेडल मान लिया था, आज से पहले हार जीत से पहले जीत नहीं माननी है। एक एक वोट को हमें बूथ तक लेके जाना है। कोई भी चाचा ताऊ बीमार पड़े मन ने बता दो ताऊ और माँ आ जाएंगी, पद्धी बैठा ले जाएंगी बूथ से, वोट नहीं जाना चाहिए जीतते हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।